अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज जो है वो बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ। वो तमाम लोग जो यहाँ पे काम कर चुके हैं और यहाँ पे रह चुके हैं, उनको बेहतर पता होगा कि ये जो है वो कैंप है तमीमी, और ये बड़ा मेन कैंप है तमीमी कंपनी का। और ये इसको आलमोस्ट तकरीबन जो है वो हो चुके हैं 40 से 45 साल इस कैंप को हो चुके थे। तो अभी ये कैंप जो है वो इसको डीमोलिशिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां से इन्होंने तोड़ दिया है अभी तक। और अभी कितना एक बाकी है तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद, क्योंकि ये जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी अरेबिया की, तकरीबन जो है वो पूरी सऊदीया में है, इसके जो है वो डिवीजन्स काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इसकी मार्केट्स जो है वो तकरीबन ऑल ओवर द सऊदीया हैं। तो ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया जो है वो ये एरिया पूरा जो है वो टूट चुका है, तोड़ दिया है इन्होंने। ये पूरा एरिया और इस जगह को जो है वो मच्छर कॉलोनी कहते थे। ये मच्छर कॉलोनी का इलाका है। इधर ज़्यादातर जो है वो फिलिपिनी और नेपाली लोग रहते थे, कुछ कुछ जो है वो इंडिया के लोग भी थे इस पूरे एरिया में, आप देख सकते हैं। तो ये तो इन्होंने तोड़ दिया पूरा। अब ये बिल्डिंग बाकी है तो इसका भी जो है वो काम ज़ोर शोर से जारी है तोड़ने का। तो ये बहुत पुराना कैंप था, आलमोस्ट जो है वो इस कैंप को 40 से 45 साल हो चुके थे, और बहुत सारे जो है वो लोग जिनकी इस कैंप के साथ यादें ताज़ा हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के बेशतर जो है वो वक्त दोस्तों ने इधर गुजारा है। तो ये पूरा कैंप देख सकते हैं, ये अभी और दो चार दिन में इसको तोड़ दिया जाएगा और ये बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा इस कैंप को, और सारी पब्लिक जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है दूसरे कैंप्स में, क्योंकि ये कुछ जो है वो हुकूमती इक़दामात की वजह से इसको जो है ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि इधर जो है वो बल्दिया का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो है वो कमर्शियल एरिया है, तो इसके साथ साथ मेरे ख़्याल से जो है वो अभी यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल चीज़ें ही बन सकती हैं, तो इसलिए इस कैंप को ख़त्म किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप पूरा कैंप, और ये उन लोगों की याद दहानी के लिए जिन्होंने अपना वक्त यहाँ पे गुजारा, अपनी ज़िंदगी के बेशतर साल यहाँ पे गुजारे हैं। मुझे भी आलमोस्ट जो है वो 10 ईयर्स हो चुके हैं इधर। तो ये देखें, ये अभी सब जो है वो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये पूरा कैंप जो है वो इसको डिमोलिश किया जाएगा, और यहाँ पे कुछ फिर नया प्रोजेक्ट जो है वो ओपन होगा। ये देखें, बहुत सारे जो दोस्त हैं उनकी याद दहानी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और अपनी भी याद दहानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने आलमोस्ट 10 ईयर्स गुजार दिए हैं। ये एरिया जो है वो तमीमी मार्केट्स वालों के पास था, तो ये तो पहले ही खाली हो चुका है, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता। ये यहाँ पे जो है वो
तमीमी मार्केट्स के जो भी वर्कर्स थे यहाँ पे रहते थे। अब ये एरिया भी, ये इन्होंने तो बहुत पहले ही खाली कर दिया था, कम से कम 3-4 साल पहले, कोरोना से पहले पहले इन्होंने जो है वो इसको खाली कर दिया था, लेकिन अभी ये बिल्डिंग्स बाकी हैं तो इसको भी ये तोड़ताड़ के फेंक देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा एरिया ये सेफे का, तमीमी सेफे का वो बेड्स बेड अंदर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ कितने एक लोगों की जो है वो यादें ताज़ा हैं हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। ये किचन था इधर, ये यहाँ पे लोग जो है वो खाना वगैरह पकाते थे। ये किचन, यहाँ पे ये किचन है, यहाँ पे अपनी कुकिंग वगैरह लोग सारे करते थे। और ये सारे रिहायशी जो है वो कमरे हैं, यहाँ पे लेबर और वर्कर्स वगैरह जितने भी थे वो रहते थे, ये देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल सुनसान गुंजान, वो सुनसान पड़ा हुआ है। ये मेरे ख्याल से मस्जिद थी इधर कहीं, तो ये इधर किसी ज़माने में नेट कैफ़े हुआ करता था शायद। वो सारा ये देख सकते हैं आप कि ये सब ख़त्म हो चुका है। तो ये बस वीडियो बनाने का मकसद, एक मेमोरी के तौर पे इस वीडियो को बनाने का मकसद था, ताकि जो है वो हमारी जो यादें इस कैंप के साथ और बहुत सारे लोग जो पहले रह चुके हैं इसके साथ जुड़ी रहें, और जो है वो हम इस चीज़ को याद रखें कि इधर भी हमने कभी वक्त गुजारा था। तो इसी के लिए ये वीडियो थी खासकर। तो अभी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।